अर्जुना ब्राह्मण आज शिवसर विधानसभा क्षेत्र के जवानों और किसानों को नई ऊर्जा देने के लिए आए। राजस्थान में संघर्ष के प्रति राजनीति के अंदर अपने लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले और अपनी कौम के खातिर अपना राजनीतिक भविष्य दांव पे लगाने वाले मेरे भाई कोटा के हाडोती के शेर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल साहब, मेड़ता की विधायक और आरएलपी की स्टार प्रचारक इंदिरा बावरी जी, गोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग जी, छोटे भाई नारायण जो आपके यहां से आरएलपी बीजेपी के संयुक्त गठबंधन के उम्मीदवार है, पिछले कई दिनों से, और मैं तो ये कहना चाहूंगा पिछले 8 से 10 साल से लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाले छोटे भाई रोहित गुजर, दिलीप जी पोसवाल, जिला परिषद के सदस्य गजेंद्र सिंह जी, असलाव के नहीं चंद्र सिंह जी तो हमारे बीजेपी के नेता हो गए, कृष्णपाल सिंह जी, सारे सरपंचगण बोल देता हूं उपस्थित, रामनिवास जी, पत्थराम जी, रेवंत जी, रामेश्वर जी, सारे समस्त ओम जी थोरी जोधपुर से सम्मानित मंच उपस्थित, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, दो तीन जोरदार जयकारे आप लगाए। जय बोले देवनारायण भगवान की जय हो, जय बोले राम साहब पीर की जय हो, जय बोले बुढ़िया बाबा की जय हो, जय बोले विठ्ठला जी महाराज की जय हो, जय बोले जगदम्बा माता की जय हो, श्रीराधे माता की जय हो। बता दे जाओ मेरे को नहीं पता, अलग अलग बोलते हैं, तैतीस हजार करोड़ देवी देवताओं की जय हो। 5 घंटे आपके बीच देरी से पहुंचे, आपका हमेशा आशीर्वाद रहा मेरे साथ। 2003 के चुनाव के अंदर भी जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, इस गांव से आपने मजबूत मदद मेरी करी थी, और जो प्रत्याशी मेरे सामने चुनाव जीता था उसे आपने इस गांव के अंदर कम से कम 1000 वोटों से ज्यादा मेरे से पीछे धकेला था। असलाव गांव के अंदर मिलकर और 8, 13, 18, 14 और 19 के 5 चुनाव के अंदर, और 5 चुनाव जो मेरे पिताजी लड़े, 6ठे चुनाव के अंदर उनकी डेथ हो गई, मेरा फार्म खारिज हो गया, 11-12 बार असलाव गांव के अंदर हमारे समाज की कम संख्या होते हुए भी आपने हमेशा मेरे परिवार का ध्यान रखा। मैं 36 कौम का शुक्र गुजार हूँ और 36 कौम को भरोसा दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल
जब तक जिस्म के अंदर जान है इस राजस्थान के खेमचर नागौर के नए निर्माण के लिए आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहेगा, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। इतना भरोसा मैं असलाओं के मेरे भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि किन विकट परिस्थितियों के अंदर आप यह चुनाव लड़ते हो, किस तरह का खोफ गरीब लोगों के यहाँ होता है मुझे पता है। लेकिन भाइयों, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी को तंग परेशान नहीं किया, लेकिन मैं इतना ही मुझे तकलीफ होती है जो लोग 5 साल तक नेताओं का विरोध करते हैं और चुनाव आते ही उन्हीं नेताओं की गोद के अंदर जाके बैठते हैं, टेलीफोनों पर वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन समय पे जब वोट पड़ता है तब पता लगता है कि खाली टाइम ही खराब कर रहे हैं, साथ होने का खाली दिखावा चला। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि हनुमान बेनीवाल तो सबको साथ लेके चला, 3 बार विधायक बना, अगर किसी ने वोट नहीं दिया उसको भी तकलीफ नहीं दी, और वोट अगर दिया उसका भी काम नहीं किया, और नहीं दिया उसको ये कहा कि अगली बार दे देगा, मेरा भाई है। और मैंने ये गुजर बहुल्य इलाका गुजर समाज के लिए, वैसे तो गुंजल साहब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन छोटा मोटा योगदान हमारा भी है। उस समय जब लाशें गिर रही थी, वसुंधरा जी की सरकार गुजरों पर गोलियां बरसा रही थी, मैं बीजेपी के अंदर ही था, मुझे तकलीफ हुई, मैं भी हाईवे पर गया और हमेशा गुजर समाज के आरक्षण की राजस्थान की विधानसभा के अंदर मजबूती से पैरवी हनुमान बेनीवाल करता रहा। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि नवंबर के अंदर लोकसभा चलेगी, कोई गुजर सांसद बोले या नहीं बोले, नागौर का ये सांसद गुजर समाज के आरक्षण की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उठाएगा, दिल्ली की सरकार को कहेगा कि कोई न कोई रास्ता निकालो, 75 से ज्यादा वीर गति को प्राप्त होने के बाद, 75 से ज्यादा वीर गुजरों ने साधन देने के बाद भी अगर इस कौम को आरक्षण नहीं मिला तो इससे ज्यादा लज्जा की बात इस देश के अंदर नहीं हो सकती। हनुमान बेनीवाल तो ऐसा ही होता है, जिसने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी करी तो मेरे कई भाइयों ने कहा था कि आप किनके आरक्षण की बात कर रहे हो, मैंने कहा मेरे उन भाइयों के आरक्षण की बात कर रहा हूँ जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, ब्राह्मण बढ़िया राजपूत और कायस्थ। मैंने कहा इन समाजों को भी आर्थिक आधार पे गरीब श्रमणों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए मैं वोट के खातिर लड़ाई नहीं लड़ता, अगर वोट के खातिर लड़ाई लड़ता अभी अभी गरीब बन जा रहे, जिनके मकान हाईकोर्ट के आदेश से तोड़े थे तब कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का आदमी उनको संभालने नहीं गया था। मेरे दोनों विधायक जो शेड्यूल कास्ट के बेन इंदिरा मौर्य पुखराज गर्ग सुबह 7 बजे वहाँ सरकार से लड़ने के लिए चले गए और पुलिस की लाठियां भी खाई और 302 का मुकदमा दोनों विधायकों में दर्ज हुआ। लोकतंत्र चीर चीर हो गया और लोकतंत्र का चीर हरण खुलेआम हुआ। भाइयों, इसी अशोक गहलोत की सरकार के अंदर हनुमान बेनीवाल आया। जब बंजारा बस्ती के अंदर में गया छिलकते हुए रोते हुए बच्चों को गुंजल साहब जब मैंने देखा तो मैंने कहा हे भगवान मुझे इतनी ताकत देना कि मैं जो करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे हो, तो मैंने आह्वान किया था चाहे मुझे झोली लेकर घूमना पड़े, चाहे मुझे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े राजस्थान के अंदर, जब तक इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराऊंगा, इसी जगह पर इनको पट्टा नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं हिलूंगा नहीं। मैंने अशोक गहलोत की सरकार को चुका दिया और 5 दिन के अंदर राजस्थान सरकार का मंत्री और IG और संभाजी धरना स्थल पर आए और पुनर्वास की व्यवस्था का ऐलान किया और मैं उनके पक्के मकान भी बनाऊंगा। मैं भी जिद्दी हूँ जिससे प्रहलाद जी जिद्दी है, मैं भी चाहता हूँ कि व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको देवनारायण जी भगवान और वीर तेजा जी अवतार नहीं लेंगे, हमारे में से किसी न किसी योद्धा को अपने त्याग समर्पण करके मंत्री पदों को ठोकर मार के आगे चलना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था परिवर्तन होगा। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के पथ पर चल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का कि धौलपुर से लेकर बाड़मेर तक, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक,
अगर नौजवानों को टी एड दिशा देने का किसी ने काम किया राजस्थान के नौजवानों के ऊपर, उनके दिलों के अंदर अगर विश्वास किसने पैदा किया और नौजवानों की लड़ाई राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछले 3 बार 11 साल के अंदर मजबूती से किसी ने लड़ी और देश के पार्लियामेंट के अंदर बेरोजगारों को रोजगार और संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात अगर किसी ने करी तो क्यों करके विधायक ने किसान के बेटों को रोजगार देने की हमेशा पुरजोर तरीके से पैरवी करी। और यही संघर्ष मैंने राजस्थान की सड़कों पे किया। भाइयों, हुंकार भरने की ताकत हर किसी के अंदर नहीं होती। प्रहलाद जी ने 2007 के अंदर आंदोलन किया था, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन 8 के अंदर उसी जनता ने चुनाव के अंदर इनको पीछे रख दिया था। प्रहलाद जी को मैं एक बात रास्ते के अंदर कह रहा था कि आप जैसे नेता अगर हमारी कौम के अंदर होते तो जाटों के तो 15-20 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं राजस्थान के अंदर, 80,000 से 1,00,000 वोट है जाटों, एक तरफा चले थोड़ी सी मदद कर तो आराम से निकलते रहे। लेकिन गुजरों के कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत है राजस्थान के अंदर, गुजरों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इतने वोट नहीं है, 80,000, 70,000 है, 1,00,000, 40,000, 45,000 चुपला जी मैक्सिमम 50+ बहुत कम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, फिर भी विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर जहाँ खुद की जाति का 3,000 वोट है वहां लड़के बड़ी ताकतों से टक्कर ली, संघर्ष किया। और मैं भी आपके पद पर चल रहा हूँ, राजस्थान के अंदर लड़ने वाले लोग कितने को आप बताओ, मुझे तो खुशी होती है कि लड़ने वाला कोई वीर मुझे मिले। तभी तो मैंने गुंजल साहब को फोन किया, मैंने कहा आप आना, मेरा चुनाव है, मेरा भाई लड़ रहा है और पार्टी भी अपने पुराने हम सब एक ही पार्टी के अंदर से रही है, RLP बीजेपी का गठबंधन है। उन्होंने तुरंत का एक दिन का टाइम मैं दूंगा, गुंजल साहब आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता जहां भी पड़े, हनुमान तो आपकी सोच का ही व्यक्ति है, वो तो किसान के दुख दर्द तकलीफ को जानता है और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ।